तो भाई लोग आ चुके हैं हम लोग पार्ट टू में वापस गए। ठीक है, तो पार्ट वन अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, तो जाके देख लो गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हमारे चल रही थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 10 ओवर की मैच, और यहाँ पे पहली इनिंग हो चुकी है गाइज, जो कि मैंने पहले बॉलिंग की एंड अब भी ये बैटिंग चल रही है। तो यहाँ पे पहली गेंद और ये बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे इसी बीच, और यहाँ पे चौका मिलाया गाइस। ठीक है, तो मेरी कुछ बैटिंग स्किल्स है गाइस जो कि एक्सपर्ट मोड में ये मैं तुमको शो कर रहा हूँ, और मैं इसमें कमेंट्री करूंगा, ना ही मैं इंडिया की ओर से हूँ ना ही मैं पाकिस्तान की ओर से हूँ। ठीक है, तो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, और अब मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो मेरी तुम लोगों को बैटिंग स्किल्स थोड़ी सी शो होगी कैसे क्या है एक्सपर्ट मोड की गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट बॉल यहाँ पे तुम लोगों को देखने को मिल रही है गाइस। ठीक है, और अगली गेंद और बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे मार दिया है गाइस कवर्स के ऊपर से गाइस, यहाँ पे 4 रन मिलते हैं गाइस। बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पे केदार जाधव ने मारा है गाइस। तो मैंने ओपनिंग प्लेयर गाइस शिखर धवन और रोहित शर्मा की नहीं रखी है गाइस। ठीक है, तो मैंने ब्रूट प्लेयर्स को पहले ओपन किया हो, क्योंकि 7 ओवर में हमें चाहिए गाइस 98 रन, 7 ओवर 98 रन, 42 बॉल्स और 98 रन। तो यहाँ पे इसके बाद वाली गेंद 6 रन की ले गई है, शॉर्ट पे डाली थी गाइज, और बिल्कुल हटके, थोड़ा सा हटके गाइज, यहाँ पे अपर कट की तरफ बोल सकते हैं, एक कट शॉट बोल सकते हैं गाइज, उसे यहाँ पे मार दिया है गाइज यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ओवर में तो अच्छी धुलाई हो रही है गाइज यहाँ पे, और एक और गेंद और एक और शॉट और बहुत ही बढ़िया गाइज 4 रन के लिए जाती हुई ये गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट इसी बीच। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइज बहुत ही बढ़िया इस यहाँ पे तालमेल अच्छा बैठ रहा है गाइस बल्ले और गेंद का आज, और ये गेंद और ये एक और शॉट और ये एक और चौका, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चौका, यहाँ पे मजा आ गया गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो मजे आ रहे हैं गाइस आज, तो बढ़िया बैठ रही है गाइस बल्ले पे गेंद, तो यहाँ पे चल रही है चल रही है। एंड अब यहाँ पे नेक्स्ट बॉल थोड़ा सा हट चुके है क्रीज से, और यहाँ पे एक और अपर कट कट टाइप का शॉट खेला है गाइस यहाँ पे, और ये 6 रन के लिए गए गेंद डायरेक्ट बाउंड्री से बाहर। तो बहुत ही बढ़िया गाइस यहाँ पे 6 रन यहाँ पे एक और मार दिया है गाइस इन्होंने, तो क्या कहने अब इनके, तो केदार जाधव के भाई आज क्या कहने, अकेले नहीं 29 खेल दिए अब तक, आई थिंक कितने 29 है कितने पता नहीं चल रहा है यहाँ से बराबर। तो यहाँ पे और हवे में गेंद और यहाँ पे आउट, तो 29 ही थे यहाँ पे, तो 29 पे गाइस पहले विकेट गिर चुके हैं केदार जाधव, आउट हो चुके हैं गाइस यहाँ पे। एंड उसके बाद गए जाते हैं अंबाती रायडू, तो ये भी एक ब्रूट प्लेयर है, तो इन्हें लाएंगे गाइस हम लोग क्योंकि हमें चाहिए रन। और यहाँ पे गेंद पहली गेंद यहाँ पे, तो ये एक और कट और ये बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे 4 या 6 ये देखने लायक होगा, तो ये तो मिलेगा चौका, बहुत ही जबरदस्त गाइस, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे शॉट सिलेक्शन जबरदस्त और खेलना जबरदस्त गाइस। ठीक है, तो मजे आ रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद वाली गेंद और ये यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये हो चुका है गाइस, लग चुकी है गेंद इन्हें अजिंक्य रहाणे को, अजिंक्य रहाणे की पहली गेंद गाइस थोड़ी सी शॉट डाली थी पर वो खेल नहीं पाए गेंद, और अगली गेंद थोड़ी सी सामने डाल है और ये उठा के दे मारा है सीधा 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर गाइस। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे गाइस। ठीक है, तो ये पहले गाइस बॉडी को लगा और दूसरा शॉट बाउंड्री से बाहर गया, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अजिंक्य रहाणे द्वारा। तो अंबाती रायडू फिर से स्ट्राइक पे आ चुके हैं और ये शॉट और यहाँ पे 6 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे सीधा हॉन्ड से बाहर जाता हुआ 6 रन के लिए अंबाती रायडू। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही बढ़िया धुलाई चल रही है यहाँ पे पाकिस्तान बॉलर, पाकिस्तानी बॉलरों की, तो मजे आ रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा रिप्ले देख लो, ओ भाई बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। ठीक है, तो 47 पे 2 विकेट्स डाउन 3.1 ओवर हो चुके हैं गाइज यहाँ पे। ठीक है, तो चौथा ओवर चल रहा है और 47 पे 2 विकेट डाउन, और यहाँ पे गाइज अब थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद और ये पुल कर दिया है यहाँ पे इस बीच, और ये बहुत ही बढ़िया शॉट सीधा 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर, मजेदार मजेदार। तो यहाँ पे 53 पे 2 एक और शॉट और एक और 6 रन, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चौका गया, सॉरी माफ कीजिए 6 रन नहीं यहाँ पे चौका, तो बहुत ही बढ़िया खेल रहे गाइस यहाँ पे। तो पहले बता दो एक्सपर्ट मोड है ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे गाइस हम लोग इसके बाद वाली गेंद कहाँ पे मारेंगे, और ये हवा में गेंद और ये सीधे हाथ में,
तो हवा में मारी और यहाँ पे विकेट मिल चुका है गाइज यहाँ पे। ठीक है, तो इनिंग जो बिल्डअप करनी थी गाइज वो तो यहाँ पे इनिंग बिल्डअप करने में हम लोग नाकामयाब रहे। और यहाँ पे एक और गेंद और एक और 6 रन, तो बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे इसी बीच खेला हुआ। तो यहाँ पे तुम लोग ही सोचो यार, इनिंग बिल्ड क्या करेंगे, 7 ओवर की मैच है, 98 रन का टारगेट है, क्या इनिंग बिल्ड करेंगे, तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। जैसे अंग्रेजी में और कहते यहाँ हैं पे बहुत ही सिंपल बढ़िया प्ले बहुत ही मेक्स बढ़िया, द पहली गेंद डिफरेंस। पे 6 मार दिया है शिखर धवन ने, और अगली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद और एक कट खेल दिया है, और ये बहुत ही बेहतरीन कट, और यहाँ पे 4 रन के लिए गई ये गेंद, बेस बल्ले से तो लगी बहुत ही शॉट बढ़िया को गेंद, और स्पिन यहाँ पे किया बाउंड्री से और बाहर गए। उसके तो बाद 67 पे 3, तो इंडिया इंडिया के डगआउट में खुशी का माहौल छाता हुआ यहाँ पे। तो 18 गेंदे 35 रन चाहिए गए, 18 गेंद में 35, और अब आएगा गाइज असली मजा इस मैच का, देखने लायक मैच है। तो पहली गेंद और यहाँ पे स्लॉप स्वीप, और ये 4 रन के लिए गई ये गेंद सीधा बाउंड्री से बाहर। तो अजिंक्य रहाणे आज कुछ अलग ही मूड में लग रहे हैं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे एक डिफेंसिव प्लेयर है और आज बाहर मारने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो जरूर से जरूर देखो। एंड अब अगली गेंद यहाँ पे क्या होता है, तो 17 गेंदे 31 रन, और यहाँ पे ऐसे गेंद बल्लेबाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते बहुत ही हैं, बढ़िया गेंद और यहाँ देखिए पे, अगली गेंद भी शॉट और ये एक और शॉट, और यहाँ पे गैप में 4 रन के लिए गए। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे, 4 रन के लिए गई ये गेंद। तो यहाँ पे डगआउट में एक और बार खुशी का माहौल छाता हुआ। तो अगली गेंद देखेंगे क्या होगा यहाँ पे और क्या नहीं। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, सॉरी बल्लेबाजी। ठीक है, तो यहाँ पे अगली गेंद दर्शक की पूरी अजिंक्य ताकत रहाणे है को, और क्यों ना हो, इतने 27 रनों बड़े की बड़े जरूरत, कप्पानों को 16 गेंदे तो छक्का शेष, मार देंगे। और एक और शॉट वैसा ही इतना शॉट, जल्दी और यहाँ कैसे पे आ गया 4 रन के लिए गई ये गेंद, डायरेक्ट आज बाउंड्री दर्शक से की टीम के बाहर। पास। तो बहुत ही बढ़िया गाइस, तो 79 पे 3, डगआउट झूमता हुआ इंडिया की, इंडिया में खुशियां छाती हुई। फील्डिंग में तो परिवर्तन, इसके बाद यहाँ पे अजिंक्य रहाणे ने 6 गेंदों में 19 रन बना दिए, आगे तो और इसके बाद छक्के की गुगली टीम गुगली आई है चक्का गाइस यहाँ पे। मारने ठीक का है, पायदान एंड बिछाया और ये गुगली में गाइस स्टंपिंग, और ये स्टंप और अजिंक्य रहाणे स्टंपिंग में आउट। तो की गुगली और गाइस आखिरी बहुत ही चेतावनी महंगी दी पड़ी गई। अजिंक्य रहाणे के लिए, और अजिंक्य रहाणे ने अपना विकेट गवा दिया गया, 7 में 19 बनाए थे पर अब तो विकेट गवा दिया। तो अब विराट आए हैं ठीक है यहाँ पे, पर स्ट्राइक में भी विराट ही है। तो विराट को पहली गेंद, देखते क्या होता है और क्या नहीं। तैयारी करते हुए तो विराट कोहली की पहली गेंद यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पुश कर दिया, और यहाँ पे रनिंग में मिस कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे रन डायरेक्ट आउट हिट होते थी हुए यहाँ पे और बड़ी फील्डर सलामी में फील्डर का विकेट बहुत ही गिर गया। बेहतरीन थ्रो, डायरेक्ट हिट था, इसलिए यहाँ पे रन आउट हो गए। तो यार बहुत ही निराशाजनक कॉम्बिनेशन था बहुत ही विराट खराब यहाँ कोहली पे, तो सस्ते में 2 विकेट गिरा दिए यहाँ पे के लिए। टीम इंडिया का की हार गाइस। ऊपर तो खास बहुत ही असर नहीं बेकार करेगी। सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, और दोनों 0 पे देखेंगे क्या होता है। तो अच्छे माही बल्ले को ये से पहली गेंद, तैयारी करते हुए और MS धोनी को ये तो पहली ऊंचा गेंद, बाहर और यहाँ पे और ये मारने की कोशिश और और ये स्टंप बाहर स्टंप चला आउट। गया। यहाँ किस पे बॉलर महेंद्र के सिंह पास धोनी थी भी और बहुत ही अच्छी स्टंप आउट जगह हो पे चुके हैं थी। गाइस यहाँ पे। तो पाकिस्तान ने गाइस मतलब 3 बॉल में मैच बदला दिया। तो यहाँ पे 11 में गाइस 23 रन लग रहे हैं आई थिंक, या 25 समथिंग कितने लग रहे हैं पता नहीं। तो भुवनेश्वर की यहाँ पे हवा में शॉट, और ये एक और विकेट गाइस, मतलब पाकिस्तानी बॉलरों ने गाइस अपना अजिंक्य जलवा रहाणे का बिखेर आउट दिया है अंत में गाइस। मतलब कुछ समझ में नहीं आया गाइस किस तरीके से गाइस विकेट खो दी यहाँ पे इंडिया ने, और क्या हो गया गाइस। ठीक है, जिस तो तरह विराट से कोहली की अब ये विकेट गेंद, गिरते देखते गए पकड़ हैं पाए विराट अजिंक्य कोहली क्या रहाणे कर की पाते। टीम। और यहाँ पे लेग बिफोर विकेट, और लेग बिफोर अपील चल रही है और आउट। तो भाई मतलब पिछले 4-5 बॉलों में 4-5 विकेट लगातार, 3 हैट्रिक ले ली थी गाइज यहाँ तो यार पे, पिछले एक चार रन आउट मैचों था में बहुत इसलिए अच्छी गाइज। प्रदर्शन और किया अब है देखते हैं रविचंद्रन अश्विन क्या करते हैं। रविचंद्रन अश्विन को पहली गेंद, और दस और ये ओवर हवा में गेंद, और ये सीधी 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर गाइज। ठीक है, क्या तो सिचुएशन सिर्फ थी और कोहली ने दो पहले विकेटे ही बची विकेट हुई ले ली। गाइज, और यहाँ पे पहले ही चौका आ चुका है गाइज। बहुत इंटेंस मैच हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल ही एंड तक देखना गाइज। ठीक है, और अब चाहिए गाइज 7 गेंदों में गाइज 18 रन। तो 7 गेंदे 18 रन, बहुत इंटेंस मैच, रविचंद्रन अश्विन के हाथ में स्ट्राइक, 2 विकेटे बची हुई इंडिया को, 7 गेंदे 18 रन, और यहाँ पे शॉट, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्लॉप स्वीप, और यहाँ पे 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री से बाहर। अब 6 गेंदे गाइज 12 रन, तो देखना बनता है गाइज यहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं। तो कुलदीप यादव को ये गेंद, खचाखच भरी हुई आखिरी ओवर की गेंद, 6 गेंदे 12 रन कुलदीप यादव की गेंद, और ये हवा में गेंद, और ये आउट। बहुत ही आसान तो गाइज शॉट यहाँ पे और इंडिया ने अजिंक्य बहुत का सस्ते में अपनी 9वीं विकेट गवा दी गाइज। ठीक है,
तो बहुत ही बेहतरीन। तो रविचंद्र अश्विन के हाथ में स्ट्राइक है, तो देखते हैं रवि अश्विन क्या कर पाते हैं यहाँ पे और क्या नहीं। तो यहाँ पे आखिरी गेंद एंड अप इन द एंड शुड बी टेकन गाइस। और इसी के साथ साथ गाइस पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है गाइस 11 रनों से गाइस। तो मुझे भी दुख हुआ गाइस कि ये मैच में जीत नहीं पाया गाइस, क्योंकि यार क्या बताओ अब क्या हुआ। तो छोड़ो गाइस, ठीक है कोई भी जीते अपने को तो गाइस गेम प्ले डालना है। तो गाइस यहाँ से वीडियो देख ली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो गाइस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो आज की इस वाले वीडियो में बस इतना, तो मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।